राजौरी के गुज्जर मंडी से ऑटो पे ये दोनों बैठे और उस ऑटो से इनका 35,000 रुपये लगभग जो है वो चोरी हुआ है। आपको बताएं कि ये दोनों जो हैं इसका इलाज करवाने के लिए, इन बहन जी का इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आए और इनका पित्ते की पथरी का ऑपरेशन था जिसको हम कोलेस्टेक्टमी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनके जेब से जो है वो 30,000 रुपये निकाल लिए गए और मैं कहूंगा ये एक बहुत ही गलत हरकत है। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी को कहूंगा कि जिस ऑटो में ये आए हैं उसकी शिनाख्त होनी चाहिए कि आखिरकार किस ऑटो में इनके पैसे जो गायब हुए हैं, क्योंकि देखने में आप देखे किस तरीके से बेचारे, ये भी मजलूम है, ये भी ज्यादा बात नहीं कर सकते, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोवर शाह है जनाब। मनोवर जी, क्या मतलब कि आपने मुझे रो रो के कॉल की, हुआ क्या? जनाब ऐसे हुआ कि मैंने पहले इसका यहीं पे अल्ट्रासाउंड प्राइवेट करवाया अपनी बीवी का, जी तो मैं यहाँ पे नहीं था घर में, मैं श्रीनगर पे था। जी मैं 2 महीने 2.5 महीने श्रीनगर में रहा। वहां पे मैं, एक ज़ियारत है मुक्तब साहब की, मैं वहां बैठता था, मुझे दिन का 700-800 रुपया बनता था, वहां मैं मांगता था। जी तो घर से कॉल की इन्होंने कि आपकी बीवी बीमार है, तो मेरे पास था 30-35 हज़ार रुपया था। जी मैंने कहा शुक्र अल्लाह का ये बन गया, मैं जाऊंगा देखूंगा क्या तकलीफ है। घर आया तो ये इसका बोलचाल कुछ नहीं था। वहां से मैंने उठाई, यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ काफी हेल्प की। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद कुछ थोड़ी दवाई लिखी तो इसको होश आ गई जिस वक्त, तो कहने लगे ईद के बाद दूसरे या तीसरे रोज आपके ये पिते का ऑपरेशन करवाएंगे, क्यों ये पिता अवर हो चुका है, जी इसका फटने का खतरा है। जी तो आज सुबह ही मैं घर से निकला तो 30,000 रुपया मैंने लिया अपने पास। मैंने सोचा कुछ अगर कमी पेशी हुई तो मैं गांव वाले किसी से हथियार पकड़ लूंगा या कुछ करूंगा, तो मैं ऑपरेशन जरूरी करवाना है, इंसान बच्चा है तो सब कुछ है। जी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची 4 हैं, वो 2 बच्ची घर में है, तो 2 का शादी दिया है, उनका भी शादी दिया है, लेकिन मैंने वो घर पे बुलाई, मैं आप घर में बैठो, तो मैं इसको लेकर जाता हूँ। मैं जब पहुंचा पांजे पे, उधर से एक नीले कलर का ऑटो था, उसमें एक आदमी सवार, 2 आदमी सवार हुए, एक लड़की वो नीचे उतर गई और एक लड़की और एक आदमी बैठा रहा, सिर पे उसके सफेद रंग की टोपी थी। रोना नहीं, आप रो नहीं, आप खुल के मुझे बताओ। अच्छा जब वो उधर से बैठे, यहाँ पे हम पहुंचे हॉस्पिटल नहीं, रोना नहीं के बाहर, जी उस ऑटो वाले ने उतारा हमें, हम चले आए, तो मेरे पास 1,000 रुपया अलग था। अंदर गया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर जावेद साहब के से मिले, डॉक्टर जावेद साहब ने, इसने पहला भी ऑपरेशन जम्मू में मेरी बीवी का किया था, सरोली का ऑपरेशन किया था, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, वहां भी डॉक्टर जावेद साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ी हेल्प की। और डॉक्टर जावेद साहब ने आज भी कहा कि कोई बात नहीं पीर साहब, आप घबराओ मत, जी तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा। जी वहां पे जब उन्होंने टेस्ट 3 लिखे, मैं बाहर आया, मेरी बास्कट की जेब थी, ये अंदर की ये वाली जेब थी, तो मैंने सोचा रोना नहीं, निकल गए। रोना नहीं, तो रोना नहीं है। उन्होंने जब मैंने जेब में हाथ मारा तो वही आगे वाला रुपया 2,000 था, बाकी 30,000 रुपया जो रबड़ चढ़ी हुई थी वो पूरी थबी थबी नहीं थी मेरी जेब में। वहां पे मैं फिर मायूस होकर फिर आपको मैंने फोन कॉल किया, तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हल्फ किया जाए ताकि मैं इसका ऑपरेशन करवा लूँ और ये बच जाए। जी हाँ, और मैं क्या कहूँ ज्यादा आप लोगों को, ये बात भी नहीं कर सकते, थोड़ी करती है। थोड़ी करती है। हाँ, तो आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं जी, मैं अभी गया ही नहीं, कहा मैं तो यहीं पे पहुंचा हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इनके आंसू देखें आप किस तरीके से ये जो है मतलब कि रो रहे हैं, और मुझे भी ये देख के जो है काफी दुख हो रहा है। और इस तरीके से आप देखें कि एक गरीब इंसान को मार देना, मैं कहूंगा ये बहुत शर्मसार बात है। चोरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, और अगर इस तरीके से आप ऐसे, कहाँ रहते हो? मैं कोटरंग का पकोरी से आगे थोड़ा रहता हूँ, लड़कोती गांव में रहता हूँ। लड़कुती रहते हो? जी, लड़कुती गांव में रहता हूँ।
तो आप मतलब कि ये मांग के ही मतलब की गुजारा चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मेरे गांव वाले सब लोगों को पता है कि मुनव्वर शाह क्या काम करता है। अच्छा, और मेरे पास क्या मालियत है? नहीं नहीं, रोना नहीं है आपने, और मेरे को भी काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरीके की हरकत कोई भी करेगा, शाह साहब बेचारे यहाँ पे आए हैं, ये देखें आप मजबूर, किस तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही, और इसके साथ आज ये हुआ है। मैं जरूर कहूंगा SHO राजौरी, जो कि काफी अच्छे ऑफिसर हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इनकी जरूर मदद करें। आप रिपोर्ट लिखवाओ जाके, जी रिपोर्ट लिखवाओ, ये खबर जम्मू कश्मीर पुलिस तक जरूर पहुंचेगी और आपकी मदद की जाएगी। और आप मुझे एक बात बताएं कि आप डॉक्टर्स ने क्या बोला है पित्ते की पथरी को लेकर? उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, जी जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये पथरी ज्यादा हो चुकी है, फटने का खतरा है। तो ये आप हॉस्पिटल के अंदर ही करवाना? जी हॉस्पिटल के अंदर ही करवाएंगे, बाहर तो मेरी ताकत नहीं है करवाने की। जी जो भी मदद होगी हम लोग भी इनकी करेंगे अभी खबर के बाद। लेकिन हैरान कर देने वाले वाक्य हैं कि एक तो मजबूर इंसान और ऊपर से उसके साथ इस तरीके का अत्याचार करना, ये सही नहीं है। और जो लड़के ये चीजें कर रहे हैं उनको जो है समझ होनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज को प्रवोक कर रहे हैं, हम क्यों चोरी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग दिन को मेहनत करें, मजदूरी करें, मेहनत का पैसा घर में लाएं। ये 30,000 आपने इसका ले तो लिया है, लेकिन जो इसका रोना है ना, वो 30,000 130,000 रुपए आपके निकालेगा। अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे, आज कलयुगी जमाना है, कलयुगी जमाने में पैसा उसी वक्त निकल जाता है, ये जनाब जरूर ध्यान रखें। ऐसे मजबूर लोगों को तंग मत करें, बेचारा कितना मजबूर इंसान। और मैं जरूर कहूंगा कि इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस इंसान पर जो है एक्शन हो पाए। अली टाइम्स के लिए प्रमोद।